तो नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस आपके अपने YouTube चैनल SKM सुनील क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर आपको मिलती हैं वो सब जानकारियाँ जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, और करंट से रिलेटेड सभी जानकारियाँ जो कि आप बिल्कुल आसानी से इस चैनल के माध्यम से सभी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं और आपके एग्जाम्स में क्वालिफिकेशन को ईजी बना सकते हैं। तो हमारे द्वारा अभी इस तक इस चैनल में बहुत सी वीडियोज अपलोड कर दिए जा चुके हैं। अगर आप अभी तक उन वीडियोज को नहीं देखे हैं तो बिल्कुल देख लीजिएगा, और नीचे जो रेड कलर का बटन सब्सक्राइब का है उस पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हमारा यहाँ पे जो चैनल है इसके माध्यम से मैं करंट की अगर बात करूँ तो करंट में जो जानकारियाँ इस टाइम पे हैं वो क्या चल रहा है, तो करंट में जो इन्फॉर्मेशन है माई फ्रेंड्स, तो STSC एक्ट के तहत जो इस टाइम पे प्रॉब्लम चल रही हैं उन प्रॉब्लम के लिए भाजपा ने डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पे पुनर्विचार याचिका दर्ज कर दी थी ताकि STSC एक्ट जो भी चल रहा था पहले उसको हटाया ना जाए और STSC एक्ट के तहत ही जो इस टाइम पे संसद में कार्यवाही नहीं हो रही है, संसद भंग हो जाता है, तो उसमें कल जो एक मेन बात आई है उसमें सांसदों का ये कहना था कि 23 दिन संसद में जो कार्यवाही नहीं हुई है, 23 डे जो कार्यवाही नहीं हुई है संसद में, तो संसद उस कार्यवाही ना होने की वजह से 23 दिन का वेतन नहीं लेंगे। तो ये बहुत बड़ी जानकारी है जो कि संसद 23 दिन का वेतन नहीं लेने वाले हैं, जो STSC एक्ट या कि फिर इसके पहले भी जो कुछ वार्तालाप चल रही थी उसकी वजह से 23 दिन तक संसद नहीं चल पाया था, 23 दिन संसद नहीं चल पाया। और एक्चुअल में हुआ था क्या, कल की डेट जो थी 4 अप्रैल 2018 की, तो उसमें संसद 11 बार स्थगित हुआ है जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। एक दिन में 11 बार संसद स्थगित हुआ है, तो संसद एक दिन में 11 बार स्थगित हुआ है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स चल रही हैं संसद में। तो इसके द्वारा जो हमारे संसद द्वारा निर्णय लिया गया है उन्होंने ये बोला है कि 23 दिन का जो वेतन है वो उनके द्वारा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जो ये वेतन होता है ये कार्य के लिए दिया जाता है, जो अगर जनता के बारे में कोई नियम पास करते हैं कोई या कि फिर योजना बनाते हैं तो उसके लिए ये पैसा होता है, तो हम फिलहाल 23 दिन का पेमेंट नहीं लेने वाले हैं, ऐसा संसदों के द्वारा बताया गया है। और इस जानकारी के मुताबिक ये करंट की कुछ जानकारियां थी जो कि आपको बतानी आवश्यक थी। तो अभी तक जो हमारा वीडियो में इसके प्रीवियस वीडियोज में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि कुछ विश्व के प्रमुख विनिर्माण उद्योग होते हैं, तो प्रमुख विनिर्माण उद्योगों के बारे में कुछ देशों के नाम और उस कौन से देश में कौन सा उद्योग चलता है उसकी जानकारी आपको ऑलरेडी बताई जा चुकी थी। और जो हमारे ये वीडियो रहेगा इस वीडियो में मेरे द्वारा जो केमिकल इंडस्ट्रील होती है, रसायन उद्योग होता है, उसके अंतर्गत आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स, क्या होता है जो H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो उद्योग है वो है USA में, जापान में, जर्मनी में, जर्मनी के बाद आता है ग्रेट ब्रिटेन। तो ये देश हैं जो कि पांच देश हैं, 1, 2, 3, 4, 5, USA, जापान, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, तो ऐसे देश हैं जहां पर H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का औद्योगीकरण होता है। उसके बाद हम बात करें अगर नाइट्रोजन युक्त उर्वरक की अगर हम बात करें माय फ्रेंड्स, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक में भी USA, भारत और जापान आते हैं। तो USA, भारत और जापान, तो ये कुछ कंट्रीज हैं जो कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का औद्योगीकरण करती हैं। और फास्फेट उर्वरक की अगर हम बात करें तो फास्फेट उर्वरक में USA और ऑस्ट्रेलिया आते हैं, तो USA और ऑस्ट्रेलिया आते हैं फास्फेट उर्वरक के अंतर्गत। और अगर हम पोटाश उर्वरक की बात करें तो पोटाश उर्वरक में क्या होता है, पोटाश उर्वरक के अंतर्गत आने वाले जो कंट्रीज हैं वो हैं जर्मनी और USA। तो ये जो वीडियो यहाँ पे है इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं कि कौन सा उर्वरक का औद्योगीकरण किस देश में होता है, तो इस वीडियो में आपको ये जानकारी दी गई है बेसिक जो कि केमिकल से रिलेटेड है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो
पोटास उर्वरक में जर्मनी और यूएसए हैं। फास्फेट उर्वरक की बात करें तो यूएसए और ऑस्ट्रेलिया है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक की बात करें तो यूएसए, जापान और भारत है। और सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 में यूएसए, जापान, जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन है। तो आप अभी तक अगर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। तो फिलहाल इसी तरह की रोचक जानकारियों के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।